शायराना गुफ्तगु का सिलसिला। शायराना गुफ्तगु का सिलसिला एपिसोड 3 लेकर हाजिर हूं मैं अमिता परशुराम, मीता। मैं सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं। जी हाँ, ये वादा किया जाता है अदालतों में, रिश्तों में, दोस्ती में, मोहब्बत में और जाने कहाँ कहाँ। मगर सवाल ये है कि कितने लोग सिर्फ सच बोलने का वादा निभा पाते हैं। सच क्या है? सच झूठ से बेहतर क्यों है? क्या अच्छा इंसान होने के लिए हमेशा सच बोलना जरूरी है? झूठ बोलना बुरा क्यों समझा जाता है? और अगर झूठ बोलना बुरा है तो हम झूठ बोलते ही क्यों हैं? हर शख्स कभी ना कभी इन सवालों से मुखातिब भी हुआ है और यकीनन इन सवालों से परेशान भी हुआ है। सच है क्या? What is truth? बड़ा मुश्किल सवाल है ये। According to Aristotle, truth relies on the actual existence of things. यानी कि जो कहा जा रहा है वो असल में है। साइंस की बात अलग है, मगर इंसान की जिंदगी के सच के बारे में तफ्तीश करना आसान नहीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है रब, खुदा, भगवान, वाहेगुरु, गॉड, इनका सच। इन सब का होना क्या एक सच है, या फिर ये एक ही सच के कई रूप हैं, या फिर कुछ और? अब अगर हम बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में, तो आप बताएं क्या ये मुमकिन है कि हम हमेशा हर पल सिर्फ सच ही बोलें? मैं आपसे दो सवाल पूछती हूँ। क्या हमेशा सिर्फ सच और पूरा सच कहने और सुनने की ताकत है इंसान में? दूसरा सवाल, क्या झूठ बोलना कभी कभी जरूरी और जस्टिफाइड हो सकता है? आप सब जानते हैं अपने दिल में कि सही जवाब क्या है। चचा गालिब कहते हैं, सादिक हूं अपने कौल का गालिब खुदा गवाह। सादिक हूं अपने कौल का गालिब खुदा गवाह, कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। हर बचपन इस बात का गवाह है कि बच्चों को सच बोलने की नसीहत दी जाती है। शैलेंद्र साहब का एक बेहद मकबूल मिसरा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इस मिसरे में छुपा सब टेक्स्ट हमें झूठ बोलने के नतीजे के लिए तैयार कर रहा है। हमारा बचपन भी ऐसा ही था। हमने राजा हरिश्चंद्र की कहानी न जाने कितनी बार पढ़ी और सुनी थी। इस कहानी ने मेरे नन्हे से दिमाग में उलझन पैदा कर दी थी। मैं सोचती थी कि इतने अच्छे और सच्चे आदमी को इतने दुख और यातनाएं क्यों सहनी पड़ी, और अगर ऐसा होता ही है तो फिर कोई सच क्यों कहे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वक्त को करवट बदलते हमने देखा भी और महसूस भी किया। 90s के दशक तक पहुंचकर बहुत कुछ बदल चुका था। झूठ और फरेब में डूबे कई लोग कामयाब होने लगे थे। अगर पैसा, मटेरियल गेन्स, एसेट्स को हम कामयाबी कहें तो यकीनन ऐसा हो रहा था। सीधे और सच्चे लोगों का दौर खत्म होता नजर आ रहा था। यहां तक कि अब पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों से ये कहना शुरू कर दिया था कि बेटा, इतने सीधे और सच्चे होने से काम नहीं चलता, दुनियादारी सीखो, चालाकी सीखो, बी स्मार्ट। दुख तो ये है कि स्मार्ट होने के क्राइटेरिया अब बदल गए थे। झूठ, चालाकी, फरेब, इन सब का शुमार अब अच्छाइयों में होने लग गया था। प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इस बात से
कि झूठ कई रूप धरकर ऑपरेट करता है। कुछ लोग जो झूठ तो नहीं बोलते मगर सच छुपाने के लिए चुप्पी का सहारा लेते हैं, या फिर सच से अनजान होने का नाटक करते हैं। मेरा मानना है कि ये भी तो झूठ का ही एक रूप है। कुछ और लोग ये बिलीव करते हैं कि डिप्लोमेसी की चादर ओढ़ लेने में ही आफियत है। मेरे मुताबिक ये भी एक तरह का झूठ ही है। सच बोलने का क्या फायदा है, आपने भी तो ये जुमला कई बार सुना होगा। तो क्या हम ये समझ लें कि झूठ ने सच को हरा दिया? वसीम बरेलवी साहब का एक मकबूल शेर कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। वसीम साहब कहते हैं, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। सच की कमजोरी और झूठ की ताकत की झलक परवीन शाकिर के एक शेर में भी नजर आती है। वो कहती हैं, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये बात तो सच है कि सच आजकल कम ही दिखाई पड़ता है। सच्ची मोहब्बत, सच्ची दोस्तियां, सच्चे वादे, सच्चे लोग जाने कहां चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है मानो झूठ बोलने की बीमारी, ये मलेज, हमारे समाज के डीएनए का हिस्सा बन गया है। आज सच बोलने की न जाने क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्त छोड़ देते हैं, नौकरी छूट जाती है और झूठ वाले फल फूल रहे हैं, है ना? करप्ट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, ऑल आर फ्लरिशिंग। झूठे अवार्ड्स, झूठे वोट्स, टैक्स इवेजन, फेक न्यूज, स्कैम्स, घोटाले, किसी का काम और किसी का नाम, यानी किसी और के गीत, गजलें, कहानियां, धुनें चुराना और कोई शर्म महसूस किए बिना उसे अपना बना लेना, कहां नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर देखें तो खरीदी हुई तारीफ, खरीदे हुए व्यूज, मिलियंस ऑफ व्यूज एंड लाइक्स, रियली? झूठ के साथ जीने के लिए लोगों का कंफर्ट देखकर सच कह रही हूं, दिल में एक दहशत सी महसूस होती है। झूठ, डिसेप्शन पूरे आलम पर इस कदर तारी है कि इस पोस्ट मॉडर्न दौर को पोस्ट ट्रूथ एरा भी कहा जा रहा है। डिसऑनेस्टी एंड डिसेप्शन रूल इन टुडेज लाइफ। सच कहने के साथ जुड़ी मुश्किलात को देखते हुए कुछ शोरा झूठ बोलने या फिर सच से दूर रहने का मशवरा बेझिझक देने लगे हैं। अंजुम रुमानी साहब कहते हैं, सच के सौदे में ना पड़ना कि खसारा होगा, जो हुआ हाल हमारा सो तुम्हारा होगा। आयरोनिकली उम्मीद फाजली साहब सच को लेकर बेहद नाउम्मीद नजर आते हैं। वो कहते हैं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। आज के दौर की मंजर कशी करता हुआ मेरा एक शेर मुलाहिजा फरमाएं। अदाकारी रियाकारी दिखावा, अदाकारी रियाकारी दिखावा, हकीकत की जबान तेरी न मेरी। आगे बढ़ने से पहले मेरी इस गजल के कुछ अशार आज के दौर के नाम। मोहब्बत मेहरबान तेरी न मेरी, मोहब्बत मेहरबान तेरी न मेरी, मुकम्मल दास्तां तेरी न मेरी। गंवा दी उम्र जिसको जीतने में, वो दुनिया मेरी जान तेरी न मेरी।
खुदा जाने है किसका दर्द कितना, ये सांझी सिसकियां तेरी न मेरी है, ना इंसाफियां हर सिमत लेकिन खुली अब तक सबा तेरी न मेरी, बचा है और न कोई बच सकेगा, गमों की आंधियां तेरी न मेरी, तू जितना भी उन्हें अपना समझ ले, तू जितना भी उन्हें अपना समझ ले, सियासी हस्तियां तेरी न मेरी, सहाफत को खरीदा अहले जर ने, रही अब सुर्खियां तेरी न मेरी, अदाकारी रियाकारी दिखावा, हकीकत की जबां तेरी न मेरी, मोहब्बत मेहरबान तेरी न मेरी, मुकम्मल दास्तां तेरी न मेरी। शायद ही कहना गलत न होगा कि इस दौर में झूठ बोलने वालों की तादाद सच कहने वालों से बहुत ज्यादा है। ऐसे में सच्चा इंसान बारह आइसोलेट हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। शायद इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा आईना है जिसे देखकर झूठ बोलने वालों के झूठ का सच उन पर जाहिर हो जाता है। यहां मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर बहुत याद आ रहा है, जो कि हर सच्चे और इस वजह से अकेले शख्स की हौसला अफजाई करता है। निदा साहब कहते हैं, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। आपको क्या लगता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला है ये सच कि कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ इज ह्यूज, और शायद इसलिए कोई शख्स झूठ बोल देता है। कुछ लोग झूठ बोलने की आदत से मजबूर होकर झूठ बोलते हैं, ऐसी आदत जो शायद बचपन में बोले गए झूठ की कामयाबी से शुरू होती है और कब धीरे धीरे आदत में तब्दील हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी रिश्तों में एतमाद बरकरार रखने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और कभी कभी हम खुद को ऐसी उलझन में पाते हैं जिसको हम धर्म संकट का क्षण कह सकते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए हमें रास्ता दिखाता है। ऐसे धर्म संकट की एक मिसाल है ऐसी सिचुएशन जहां अगर किसी के घर का कोई मेंबर किसी लाइलाज बीमारी का शिकार है और वो उस शख्स को कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, ये जानते हुए कि इलाज हो नहीं सकता, है तो एक झूठ मगर ये बुरा झूठ नहीं है। इस धर्म संकट के समय जो झूठ बोल रहा है वो शख्स दिल का अच्छा है, वो चाहता है कि उनके खानदान का ये फर्द अपने दिल में उम्मीद और कोशिशें बरकरार रखे। अब आप ही बताएं, ऐसा झूठ तो अच्छा झूठ है ना? चलिए अब एक प्यारी सी सच्ची बात आपके साथ साझा करती हूं, और वो ये कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि झूठ बोलना तो नहीं चाहते मगर किसी मजबूरी की वजह से वो सच कह नहीं पाते। बशीर बद्र साहब का शेर इन सच्चे लोगों के लिए। बशीर साहब कहते हैं, जी बहुत चाहता है सच बोले,
जी बहुत चाहता है, सच बोले, क्या करें, हौसला नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए जो किसी न किसी वजह से सच बोलने का हौसला खो देते हैं, आइए कुछ ऐसी टिप्स देते हैं इनको, जो सच कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, ऐसे लोगों को, ताकि वो उस सच को कह पाएं। कभी कभी एक कड़वा सच भी अपने अंदाज लहजे में मिठास लाने से मीठा हो जाता है। जी हाँ, कोई सच कैसे कहा जाए, इसका असर दूर तक जाता है। हाउ वी कन्वे द ट्रूथ मैटर्स। फुजैल जाफरी साहब कहते हैं, जहर मीठा हो तो पीने में मजा आता है। बात सच कहिए मगर यूं कि हकीकत न लगे। बात सच कहिए मगर यूं कि हकीकत न लगे। क्या बात है, यानी कि हकीकत अगर बहुत कड़वी है तो उसे इस अंदाज से कहा जाए कि उसमें कुछ मिठास आ जाए। अब जनाब, ये तो हम सब मानते हैं कि उर्दू जबान और उर्दू शायरी में एक अलग ही मिठास है, और ये मिठास कड़वी से कड़वी बात को भी सुनने में इतना मीठा कर देती है कि बस कुछ भी कह दो, जैसा भी सच कहना हो कह दो, सुनने वाला उस बात से इत्तेफाक रखे या ना रखे, मगर एक बार मुस्कुरा जरूर देगा। एक पार्लियामेंट में हुआ किस्सा मुझे याद आ रहा है, एक प्यारा सा पोएटिक एनकाउंटर। मनमोहन सिंह जी और सुषमा स्वराज जी के बीच इस बात की गवाही देता है कि शायरी मिठास से भरी हुई है। एक लोकसभा का सेशन था जिसमें मनमोहन साहब ने सुषमा स्वराज जी को मुखातिब होकर कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जाहिर है यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा कर रही है। अब सुषमा स्वराज जी मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि बादस्तूर शेर का उधार तो चुकाना पड़ेगा। तो उन्होंने बशीर बद्र साहब का एक शेर मनमोहन साहब की नजर किया। वो शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वाह। सो दोनों ने भरी सभा में अपना अपना सच क्या ही मीठे अंदाज से कह दिया। है ना बात मिठास में। और अब एक और अहम मशवरा। बहुत से लोग सिर्फ सफेद या काला, यानी कि ब्लैक और वाइट की फिलॉसफी अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ऐसी डाइकोटमस सोच उन्हें एक्सट्रीम में सोचने पर मजबूर करती है। सच और झूठ दो एक्सट्रीम 180 डिग्रीज अपार्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग ग्रेस की तरफ ध्यान नहीं देते। कभी कभी पूरे सच की जगह अगर थोड़ा सा सच कह दिया जाए और बात बन जाए तो क्यों ना ऐसा किया जाए। ऐसा हो सकता है कभी कि कुछ कहना जरूरी है मगर पूरा कहना जरूरी नहीं। ऐसे में निदा साहब का मशवरा जरूर याद रखें। निदा फाजली साहब कहते हैं, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। इस खूबसूरत गजल के कुछ और आशार, उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा, प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली, जिसको पीछे कहीं छोड़ाए वो दरिया होगा। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरी, जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा,
इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम न बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। और अब एक सवाल के जरिए सच से जुड़ा एक और अहम मुद्दा। सवाल है, क्या कोई भी सच सभी का सच हो सकता है? अगर ये मुमकिन होता तो ऊपर वाले को लेकर इतने डिसएग्रीमेंट्स ना होते। मेरा मानना है कि कोई भी सच सभी का सच नहीं हो सकता, जबकि आज का साइंटिफिक ट्रूथ भी कल एक झूठ साबित हो सकता है, तो साहब रिश्तों के सच के बारे में कोई दावा कैसे किया जाए? अक्सर रिश्तों में दूरियां इसी बात पर हो जाती हैं कि दोनों शख्स एक दूसरे को अपने अपने सच को मनवाने की जिद पर अड़ जाते हैं। जनाब, ये सभी झगड़े खत्म हो सकते हैं अगर लोग ये समझ लें कि यही सच्चाई है हर एक सच की, यही सच्चाई है हर एक सच की, जो सच लगता है बस एक जाविया है। जाविया यानी कि पर्सपेक्टिव, एक नजरिया। वकीलों की दलीलें झूठ को सच और सच को झूठ साबित कैसे कर देती हैं? किसी भी डिबेट में कभी कभी दोनों पक्ष हमें सच्चे क्यों लगते हैं जबकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं? एवरीवन्स परसेप्शन ऑफ एनी रियलिटी इज डिफरेंट, और शायद इसीलिए इंसानी रिश्तों में एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का नजर आना मुश्किल है, और ढूंढने की कोशिश करना शायद सादगी और या फिर नादानी। और अब सच के साथ जुड़ी एक और सच्चाई। साइकोलॉजी रिसर्चेस और थियरी से मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहती हूँ। कई बार लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, अनजाने में। एक खातून की छोटी सी कहानी सुनिए। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी कई सालों से, मगर उन्होंने कभी भी अपने शौहर पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। दोस्तों के पूछने पर कि वो ये मार क्यों बर्दाश्त करती हैं, उन्होंने कहा, मेरे पति को जितना प्यार मुझसे है किसी और के साथ नहीं, बस इसलिए उनका मारने का हक भी सिर्फ मुझ पर ही है। जी हाँ, कभी कभी हमारी जिंदगी का कोई सच इतना भयानक होता है कि हम खुद भी कॉन्शियस लेवल पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उस सच का रूप बदल देते हैं, शराबों इल्यूजन्स का सहारा ले लेते हैं। एक शेर इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ, सच की सच्चाइयां जाहिर हुई जब से मीता, सच की सच्चाइयां जाहिर हुई जब से मीता, दिल को दानिस्ता सराबात से बहलाया है। दानिस्ता यानी कि जानबूझकर, सराबात यानी कि इल्यूजन्स। जी हां, कभी कभी इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये सच है कि सच को कह पाना या झेलना कोई आसान बात नहीं, मगर सच तो सच है, और हमारी जिंदगी में खास तौर पर रिश्तों में इसकी बहुत अहमियत है। मेरी सोच कहती है कि सच रिश्तों की नींव है, एक पुख्ता नींव। झूठ की नींव पर बनाए गए रिश्ते उस घर की तरह गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं जिसकी नींव कच्ची थी। किसी भी रिश्ते में सच का होना प्यार मोहब्बत कद्र की निशानी है। सच अपनेपन और रिलायबिलिटी डिपेंडेबिलिटी जैसे जज्बों को मजबूत करता है। सभी कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते,
यानी कि झूठ ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। और सच तो सच है, किसी भी सच के बारे में हमारी और आपकी सोच अलग जरूर हो सकती है, मगर सच तो वो है जो है। रहा सवाल सच कहने का, तो जनाब मैं आखिर में दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात, जब कोई आपसे झूठ कहे तो आपको कैसा महसूस होता है? अगर इस एहसास को आप याद रखेंगे तो ये हो सकता है कि आप दूसरों के साथ झूठ ना बोलें। दूसरी बात, दूसरों के साथ झूठ बोलकर आप उनसे तो सच छुपा लेंगे, मगर मियाँ अपने आप से अपना ही झूठ कैसे छुपाएंगे? ऐसे मौकों के लिए एक शेर आपकी नजर। आज फिर देखा किया आई ना हैरत से मुझे, आज फिर देखा किया आई ना हैरत से मुझे, खूब करता है मुकाबिल मेरी गैरत से मुझे। और ये भी कि ऊपर वाले को आप चाहे किसी भी नाम से जानते हो, भगवान, रब, वाहेगुरु, गॉड या खुदा, अगर उसका होना एक सच है तो उससे अपना झूठ कैसे छुपाएंगे आप? सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। आदाब, नमस्कार। शायराना गुफ्तगू का सिलसिला।